What is up, you lot from YouTube? This is your very own Ali from AW Big Sotica, back with another banging video for you guys. आज हम बात करने वाले हैं DJI Mini 3 Pro, which is a beginner level drone, और किस किस्म की mistakes लोग करते हैं and how to avoid them. बहुत ही common सी गलतियाँ हैं जो लोग कर देते हैं अपनी videos के अंदर, which are very easy to avoid. और ये चंद mistakes आप अगर curb कर लेते हैं अपनी drone flying के अंदर with the DJI Mini 3 Pro, एक तो आपका ड्रोन सेफ भी रहेगा और दूसरा यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट फुटेज दैट यू कैन ऑफर टू द व्यूअर्स. इफ यू गाइस आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू लीव अ लाइक, डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन दोस बेल नोटिफिकेशन आइकन्स इफ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी. दैट इज गोइंग टू हेल्प दिस चैनल अ टन. आई नो आई हैव बीन अवे, इट्स बीन मोर देन अ मंथ सिंस योर लास्ट वीडियो मैंने बनाई है, बट अब मैं वापस आ गया हूँ. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो. विदाउट फर्दर डू, वो मिस्टेक्स जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए और किस तरह से उनको अवॉइड किया जा सकता है. कमिंग अप, ये रहा DJI Mini 3 Pro. गॉट दिस ड्रोन अबाउट 2.5-3 माह हो गए हैं. इसके साथ काफ़ी फ्लाई किया है मैंने और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एडिड फीचर्स हैं विच मेक इट अ प्रो, जबकि इसका साइज मिनी ही है. वेलकमिंग स्ट्रेट ओवर टू द फर्स्ट मिस्टेक या फर्स्ट थिंग टू लुक फॉर, उसमें इस ड्रोन के अंदर जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर्स हैं वो दो आपके फ्रंट पे हैं, दो आपके रेयर पे हैं और दो इसके बॉटम पे जो है वो सेंसर्स हैं. तो देर आर बेसिकली प्रैक्टिकली नो सेंसर्स ऑन द साइड्स ऑफ द ड्रोन. तो अगर आप ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम ऑन करके इस ड्रोन की साइडवेज फ्लाइट ले रहे हैं तो देर आर चांसेस कि ये उस ऑब्स्टिकल को जो किसकी साइड पे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एंड यू विल बी हिटिंग द ड्रोन और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस ड्रोन के लेफ्ट और राइट साइडवेज लुकिंग सेंसर्स नहीं है. द सेंसर्स आर ओनली एट द फ्रंट, बैक एंड द बॉटम. और इसको मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को जहन में रखते हुए, डू फ्लाई विद दी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम. एक और चीज़ जो इसी पॉइंट का फर्दर एक पॉइंट है वो ये है कि लो लाइट के अंदर, सिंस दीज सेंसर्स आर ऑपरेटेड थ्रू द एम्बियंट लाइट विच इज़ अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट जिसमें आप फ्लाई कर रहे हैं, तो लो लाइट के अंदर ये सेंसर्स डिसेबल हो जाते हैं. तो अगर रात के टाइम आप फ्लाइट ले रहे हैं या शाम के टाइम यू आर ट्राइंग टू टेक अ फ्लाइट, तो प्रॉबेबल चांसेस ये हैं कि दीज सेंसर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. और अगर आप इस चक्कर में हैं कि मैं एक ऑब्स्टिकल की तरफ जा रहा हूं और मैनूवर कर रहा हूं, खुद ही ड्रोन रुक जाएगा तो वो रुकेगा नहीं, इट इज़ गोइंग टू क्रैश इनटू दैट. तो लो लाइट एनवायरनमेंट में और रात के टाइम अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस ड्रोन, क्योंकि इसका कंप्लीट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है इन लो लाइट. एक और चीज़ जो इसी ड्रोन के अंदर है, इसके तीन बेसिक फ्लाइंग मोड्स हैं. द फर्स्ट इज सीनी, द सेकंड इज नॉर्मल एंड द थर्ड इज स्पोर्ट्स. तो सीनी और नॉर्मल मोड के अंदर जब आप फ्लाइट ले रहे हैं तो द ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम एंड द सेंसर्स आर गोइंग टू वर्क. अगर आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर शिफ्ट करते हैं तो ऑल दीज ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम आर गोइंग टू कम्प्लीटली शॉर्ट ऑफ. ड्रोन ऑब्स्टिकल अवॉइड नहीं करेगा. मैं एक बार अपना एक ड्रोन क्रैश कर चुका हूँ. तो ट्राई टू अवॉइड फ्लाइंग इरेटिक व्हेन यूजिंग द स्पोर्ट्स मोड, या ये चीज़ ध्यान में बिठा लेंगे जब स्पोर्ट्स मोड आपने ड्रोन को ऑन कर दिया है तो द ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम इज गोइंग टू स्विच ऑफ, वो अवेलेबल नहीं होगा आपको ड्यूरिंग फ्लाइट्स. एक और बात ये है कि जब आप इस ड्रोन को न्यू परचेज करते हैं, इसका सेटअप कर लेते हैं रिमोट कंट्रोलर के साथ, ये सिंक में आ जाता है, तो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम जब आप इसका ऑन करेंगे तो द ड्रोन इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू डिसेबल द साइडवेज फ्लाइट. तो साइड पे ड्रोन मनूवर नहीं कर पाएगा. वो ऑप्शंस के अंदर जाके आप इनेबल साइडवेज फ्लाइट करेंगे तो द ड्रोन विल बी एबल टू मूव साइडवेज, वरना इसका पाथ रिस्ट्रिक्टेड फ्लाइट होती है. सिर्फ आगे जाएगा और पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, साइडवेज की तरफ मूव नहीं करेगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम के बारे में आप लोगों को मैंने बतानी थी. कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉट सेटिंग योर सिक्योरिटी सेटिंग्स इनसाइड द ड्रोन विच आर ऑल्सो नोन एज द सेफ्टी सेटिंग. अब इन सेटिंग्स के साथ अगर आपने नहीं खेला और आपने इनको प्रॉपरली एडजस्ट ना किया तो देर आर चांसेस ऑफ लूजिंग द ड्रोन इन वर्स्ट केस सिनेरियो. सबसे पहले इसका RTH एल्टीट्यूड, रिटर्न टू होम एल्टीट्यूड. पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि वंस यू आर स्टार्टिंग द ड्रोन ऑफ तो उसको होवर करने दें, या नीचे ही जहां वो पड़ा हुआ है आपके हाथ में है उसको थोड़ी देर के लिए ऑन रहने दें ताकि वो सैटेलाइट से अपनी पोजिशन जो है वो लॉक ऑन कर सके. दैट इज़ गोइंग टू बी द होम पॉइंट.
तो रिटर्न टू होम altitude इज़ बेसिकली the RTH altitude जिसमें ड्रोन अगर सिग्नल लॉस की वजह से कहीं किसी जगह पे जो है वो इशू बन जाता है, कुछ सिग्नल लॉस हो जाता है या देर इज़ सम अदर प्रॉब्लम, तो ड्रोन या बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो ड्रोन इज़ गोइंग टू ऑटोमेटिकली गो इन टू द रिटर्न टू होम मोड. अब रिटर्न टू होम मोड पर जाने के लिए ड्रोन इज़ गोइंग टू इंक्रीज इस एल्टीट्यूड टू अ सर्टन हाइट जो कि रिमोट कंट्रोलर के थ्रू आपने एडजस्ट की होगी, उस हाइट पर जाता है, टर्न्स बैक टू द होम लोकेशन एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग टूवर्ड्स दैट. तो रिटर्न टू होम एल्टीट्यूड आपने इर्द गिर्द अपने देख लेना है, जो भी सबसे बड़ी चीज़ आपको नज़र आ रही है उसका रफ एल्टीट्यूड जहन में रख के, इफ़ इट्स ए बिल्डिंग और ट्री हाइट या माउंटेंस के अंदर आप फ्लाई करें, तो यू नीड टू कीप दी रिटर्न टू होम एल्टीट्यूड मोर देन दैट माउंटेन और ऑब्स्टिकल, ताकि ड्रोन जब फ्लाइट में RTH मोड जब लगता है और ऊपर जाता है, अपने आप को ऊपर निकालता है, तो इट इज़ एबल टू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल वाइल इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू योर होम पॉइंट जो कि ऑलरेडी अपडेटेड है. इसी के साथ साथ लोग मैक्सिमम फ्लाइट डिस्टेंस अपडेट करना भूल जाते हैं, मैक्सिमम एल्टीट्यूड देना उसको भूल जाते हैं. ऑल दी सेटिंग्स आर अवेलेबल इनसाइड द रिमोट. ऑलवेज सेट योर मैक्सिमम एल्टीट्यूड जिस तक ये जा सकता है एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच इट कैन रीच. बहुत सारे मैंने यूज़र देखे हैं जो मैक्सिमम डिस्टेंस को अनलिमिटेड कर देते हैं, विच इज़ आई वुड से नॉट रिकमेंडेड. आप उसको उस हद तक रखें जहाँ तक आपकी शॉट्स लेने का प्लान है. देर आर सर्टन बायलॉज इन कंट्रीज, बहुत लीगल मैटर्स खुल जाते हैं इफ़ द ड्रोन इज़ नॉट इन योर विजुअल साइट. इन सम कंट्रीज इट इज़ ओके टू गो लाइक 5-6 किलोमीटर्स अवे, बट इन सम कंट्रीज यू हैव टू कीप द ड्रोन इन विजिबल साइट. तो अगर आपने वो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो फिक्स किया हुआ, द ड्रोन इज़ नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. इसी के एडवांस्ड सेफ्टी सेटिंग्स जो हैं ड्रोन की, उसके अंदर जाके वंस सिग्नल लॉस हो जाता है, उसका एक ऑप्शन है कि इफ़ द ड्रोन लूजेस सिग्नल, तो इन केस ऑफ सिग्नल लॉस डोंट अलाउ इट टू होवर. वरना अगर सिग्नल लॉस होता है, ड्रोन दूर है आपसे, वो वहीं पे होवर करना शुरू हो जाएगा जब तक उसकी बैटरी डाई डाउन नहीं हो जाती. ऑलवेज सेलेक्ट रिटर्न टू होम, ताकि ड्रोन अगर सिग्नल लॉस की वजह से कहीं घुमा हुआ है तो वो वापस एल्टीट्यूड गेन करके जो RTH आपने सेट किया है तो वापस आपकी तरफ या जो अपडेटेड होम पॉइंट है जहाँ से उसने टेक ऑफ किया है वहाँ तक वो आ सके. कीप दिस थिंग इन माइंड. कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, यू नो, पीपल फॉरगेट टू यूज़ द गिम्बल प्रोटेक्टिव कवर. अब बहुत महंगा कैमरा सिस्टम है द ड्रोन इटसेल्फ. पाकिस्तान में इट्स अराउंड मोर देन 2,50,000 रुपीज़ दीज डेज. तो गिम्बल प्रोटेक्टिव कवर ना यूज़ करना, वैसे एक नखरा ऐसे ही रख देना ड्रोन को, तो गिम्बल है वो डैमेज हो सकता है, तो किसी चीज़ को लग जाएगा बैग में प्लेस करते हुए, इट्स गोना हिट समथिंग. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ ऑलवेज यूज़ द गिम्बल प्रोटेक्टिव कवर, ताकि वो कवर उस गिम्बल को और कैमरे को प्रोटेक्ट करके रखे. एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि ड्रोन को अनफोल्ड करके रख देते हैं, गिम्बल प्रोटेक्टिव कवर उतारे बगैर ही उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो उस सूरत में गिम्बल मोटर्स आर गोइंग टू गिव द एरर ऑफ बीइंग स्टक, और देर आर चांसेस कि ये बिल्कुल ही जो है वो मोटर जवाब दे जाए या कोई ना कोई केबल बीच में अंदर डैमेज हो जाए ऐसा करके. तो ऑलवेज़ रिमूव द गिम्बल प्रोटेक्टिव कवर बिफोर यू आर गोइंग टू गेट द ड्रोन इन द एयर. तो हवा में ले जाने से पहले उसको उतार ज़रूर लें. दिस इज़ अनदर सोर पॉइंट जो लोग अक्सर भूल जाते हैं. वन मोर थिंग नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज़ के न्यू ड्रोन पायलट्स की एक ऑब्सेशन होती है कि ड्रोन मिल गया है, 10 किलोमीटर रेंज है तो 10 किलोमीटर दूर ले जाओ. Try to avoid that, especially if you're a newbie. Hoga kya ke you might go behind an obstacle, you might lose visual line of sight from the remote controller, ki gum gum jayega aur aisi jagah pe girega ki jahan se recover bhi na ho paaye. So try to avoid flying very long distances. Shuru shuru mein try to keep it in visual range taki aapko drone nazar aaye, ya apne saath ek spotter bitha lo jo aapka dost ho sakta hai jo aapko batata rahe ki ha is waqt mujhe nazar aa raha hai, and you can focus on the स्क्रीन ऑफ द कंट्रोलर और योर स्मार्टफोन. तो दूर ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शुरू शुरू में. पहले इसको गेन सम एक्सपीरियंस विद द ड्रोन, विद द कंट्रोल स्टिक्स एंड विद द कंप्लीट यू नो सेटिंग्स. जब हाथ बैठ जाता है देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक द ड्रोन टू सर्टेन डिस्टेंसेज, बट आई वुड स्टिल नॉट रिकमेंड कि आप लोग इसको बहुत दूर जो है वो ड्रोन को ले जाएं, और जब ये गिरे तो उसके बाद आपको अफसोस हो कि अब तो इसको वापस भी नहीं लाया जा सकता. देर आर सर्टन ऑफ रोड एरियाज, ऐसी ऐसी जगह होती हैं पहाड़ों में जहाँ बंदा जा भी नहीं सकता, तो ट्राई टू अवॉइड सेंडिंग इट वेरी फार अवे. एक और चीज़ जो इसी पॉइंट से रिलेटेड है वो है ड्रोन की कंट्रोल स्टिक्स के इस्तेमाल के बारे में. कंट्रोल स्टिक्स आर
वेरी रिस्पॉन्सिव टू मूवमेंट ऑफ योर फिंगर. तो आप बहुत ज़्यादा उसको अगर पुश या बहुत ज़्यादा माइनस करेंगे या उसको रोटेट वो करेंगे तो ड्रोन इज गोइंग टू बिहेव इराटिक. तो आराम आराम से शुरू में गो ईजी विद द कंट्रोल स्टिक्स. उसको आराम से पुश फॉरवर्ड करें, आराम से पुश बैक करें, गो वेरी वेरी कम्फर्टेबल शुरू में ताकि वो फीलिंग डेवलप हो जाए. देन यू विल एग्जैक्टली नो कि मेरे फिंगर रिस्पॉन्स के साथ ड्रोन जो है वो कितना दूर जाता है या कितनी स्पीड पकड़ता है. वो अंदाज़ा एक दफ़ा आपके जिस्म की न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो ओके हो जाए, उसके बाद यू नो यू कैन स्टार्ट फ्लाइंग लाइक अ प्रो. बट शुरू शुरू में टाइम लगता है. आई वुड से इट टुक मी गुड अबाउट एक हफ्ता टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेरा जो स्ट्रेंथ के हिसाब से स्टिक में पुश कर रहा हूँ या उसको पुल कर रहा हूँ तो ड्रोन किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है. तो गो ईजी ऑन द ड्रोन स्टिक शुरू शुरू में. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू ड्रोन फ्लायर्स स्पेशली. कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ दिस वीडियो और वो ये है कि ट्राई टू अवॉइड टेकिंग ऑफ फ्रॉम डस्टी और सैंडी प्लेसेस. नीचे कई दफ़ा ऐसी जगह होती है जहाँ पे इतनी ज़्यादा मट्टी होती है, लूज़ मट्टी होती है कि ड्रोन प्रोपेलर्स जब स्टार्ट होते हैं तो ऑल द डस्ट इज सक्ड इन इनटू द ड्रोन प्रोपेलर्स और बहुत ज़्यादा जो है ना एनवायरमेंट का भी और वैसे भी ड्रोन मोटर्स का भी नुकसान होने का ख़तरा होता है. तो ट्राई टू अवॉइड सर्टन प्लेसेस. कोई ऐसी प्लेन रॉक है या कोई ऐसा फर्म ग्रासी एरिया है वहाँ से आप उड़ा लें, हाथ से उड़ा लें, उसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से कि नीचे वाला सर्फेस आप अवॉइड करें और हाथ में रख के उसको फ्लाई करने की प्रैक्टिस करें. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट हाउ टू फ्लाई योर ड्रोन अपना हाथ इस्तेमाल करते हुए, वो ज़रूर देख लीजिएगा. तो ट्राई टू अवॉइड दीज डस्टी एंड सैंडी एरियाज इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर ड्रोन. नेक्स्ट पॉइंट पे लिए चलता हूँ. एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक, बहुत ही सिंपल सी नादानी लोग कर जाते हैं कि अगले दिन का प्लान किया होता है या ट्रिप प्लान किया होता है यार इस पे ड्रोन इस्तेमाल करना है, एंड लिटरली दे फॉरगेट टू चार्ज द बैटरीज. और जब ऑन साइट पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि बैटरीज़ के अंदर जूस ही नहीं है. तो दैट इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हैं या वाकई में आपने कोई कमर्शियल या कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान की हुई है जो क्लाइंट रिलेटेड है. तो दैट इज़ गोइंग टू कॉज इमेंस अमाउंट ऑफ एम्बैरेसमेंट. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आपके जहन में है कि आपने ड्रोन फ्लाई करना है, ऑलवेज इंश्योर दैट द बैटरीज आर फुली चार्ज्ड. चार्ज होगी तो ड्रोन उड़ेगा, चार्ज नहीं होगी तो फिर आप ईजी हो जाएंगे. तो ट्राई टू अवॉइड दैट, कीप योर बैटरीज चार्ज्ड. इसी तनासर में एक और I would not say it's a big mistake, but it can be a big mistake and disastrous अगर client work involved है. वो ये है कि people forget to insert the SD card inside their drone. और on site पहुँचते हैं तो पता लगता है कि जी वो SD card तो घर रह गया, तो drone यहाँ पर आ गया है, तो अभी इसके साथ क्या करें हम. तो always remember to ensure कि आपके drone के अंदर SD card जो है वो लगा हुआ है. And before you fly, before the main flying thing, also ensure that the card is formatted ताकि उसमें sufficient space है for you to shoot और इतनी space है कि आपका जो project है उसके अंदर वो cover हो पाए. अगर वो formatted नहीं और आपने fly कर दिया तो mid flight formatting I don't think it's recommended और ना होती है. Always format your SD card and ensure कि वो SD card आपके drone के अंदर लगा हुआ है. Okay, coming over to the last point of the video, and that is कि before flying आप क्या करते हैं कि आपने उड़ाया एक जगह से, आप दूसरी जगह चले गए, उसके साथ साथ चलते चलते और उतारा आपने ड्रोन नहीं होता, हवा में ही होता है, और आप शॉट्स लेते लेते जब उसकी बैटरी ख़त्म होती है या कोई इस तरह का मसला हो जाता है तो उसका रिटर्न टू होम एक्टिवेट होता है. तो जब उसका रिटर्न टू होम एक्टिवेट होता है तो वो उस जगह पे जाके लैंड करता है जहाँ पे उसका होम पॉइंट अपडेट हुआ है. तो ऑलवेज इंश्योर कि जब आपने अपनी पोजिशन चेंज की है या आप खुद मूव कर गए हैं घड़ी में आगे पीछे, तो द ड्रोन अगर आपने उसको रिटर्न टू होम फंक्शन के थ्रू वापस लेना है तो नीड टू अपडेट योर होम पॉइंट. वो बहुत ही एसेंशियल है, उसको मत भूलिएगा. भूलेंगे तो नुकसान होगा, गुम जाएगा, पिछली लोकेशन पे जाके उतरेगा, हो सकता है आपको याद भी ना हो कि आप लोग कहाँ थे या यू नो दैट सॉर्ट ऑफ ट्रबल. सो गाइज, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. मेरी तरफ से ये एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर ड्रोन फ्लायर्स. मैं भी इसमें से गलतियाँ कमिट करता रहा हूँ. आई होप ये चंद ऐसी गलतियाँ आपको हेल्प करेंगी टू create better videos and keep your drone and yourself safe aur equipment loss se aap apne aap ko bacha sakenge. Is video ka ye maqsad tha. If you guys are still not subscribed to the channel, do leave a like, do subscribe, that is going to help this channel a ton. Aur videos aati rahengi, keep following. Shorts bhi main dal raha hu, different drone shorts hain wo bhi aap dekhein, channel ko bhi follow karein. Till the next video, see you soon, bye bye.